प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो में हमारा अध्ययन बिंदु है वर्ण व्यवस्था। तो यहाँ सबसे पहले हम वर्ण का अर्थ समझ लें। वर्ण व्यवस्था क्या है, इस विषय पर वैदिक ऋषियों ने किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना तो नहीं की। वैदिक ऋषियों ने समय समय पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सूक्तों की रचना की थी। इन्हीं सूक्तों में उन्होंने स्वयं अपने या समुदाय के कल्याण के लिए देवताओं से प्रार्थना की है। इन्हीं मंत्रों में कुछ में उनकी सामाजिक मान्यताओं और आदर्शों के संकेत हमें प्राप्त होते हैं। इन्हीं संकेतों के समन्वित रूप में इतिहासकारों ने वैदिक सामाजिक संगठन के लिए वर्ण व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया है। वैदिक साहित्य में वर्ण शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, एक रंग के अर्थ में और दूसरा वर्ण या चुनाव करने के अर्थ में। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर वर्ण रंग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जहाँ उसका अर्थ रंग या प्रकाश है, यहाँ यह स्मरणीय है कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में कहीं भी वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ऋग्वेद के प्रशिक्षक दशम मंडल में भी पुरुष सूक्त में सामाजिक वर्गों की दैवीय उत्पत्ति के संदर्भ में भी वर्ण शब्द प्रयुक्त नहीं है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग जहाँ आर्य और दास के लिए हुआ है, वहाँ उसका तात्पर्य रंग से होते हुए भी स्तर भेद नहीं है। यहाँ आर्य को गौरवर्ण तथा दास को कृष्ण वर्ण का बताया गया है, लेकिन रंग से ऊंच नीच का भेद नहीं होता था। उच्च वर्ण में भी कृष्ण वर्ण के लोग होते थे, उदाहरण के लिए ऋषि कण्व कृष्ण वर्ण के ही थे। दीर्घतमा को भी रंग के आधार पर काले रंग का माना जा सकता है। ऋषि अंगीरा के भी काले रंग के होने की बात स्वीकार की गई है। ये सभी आर्य थे, इसलिए कृष्ण वर्ण अनार्यत्व का संकेतक नहीं था। प्रारंभिक वैदिक युगीन समाज में तीन प्रकार के लोगों का अस्तित्व प्राप्त होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। अभी भारतीय आर्य चार वर्णों में विभक्त नहीं हुए थे। समाज के वर्गीकरण जन्मगत न होकर गुण व कर्मगत था। कोई व्यक्ति किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, वह अपने गुणों के आधार पर समाज में कार्यरत होता था, उसी से उसकी पहचान बनती थी। ऋग्वैदिक समाज में ऊंच नीच का भेद नहीं था। तीनों वर्णों में समान रूप से खान पान चलता था और सभी को विष का अंग माना जाता था। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग में जा सकता था, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण और क्षत्रिय विष से पृथक होने लगे। प्रारंभ में विश्व में सभी व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति समान थी। धीरे धीरे गुणों के आधार पर उनमें भेद पैदा होने लगा। जैसा कि हम जानते हैं कि तत्कालीन समाज यज्ञ प्रधान था, यज्ञ द्वारा ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया जाता था, इसलिए यज्ञ संपादित करने वाले ब्राह्मणों को समाज में अन्य लोगों की अपेक्षा आदर की दृष्टि से देखा जाता था। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रार्थना के अर्थ में किया गया है, अतः जो प्रार्थना की रचना करते थे वे स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण कहलाए। ये लोग वनों में निर्मित आश्रमों में रहकर शिक्षा देते थे। इन्हीं लोगों में से कुछ राजा के पुरोहित का कार्य भी करते थे। सैनिकों के विशिष्ट कुल राजन्य कहलाते थे। इनमें से कुछ रथी होते थे और कुछ महारथी। ये लोग युद्ध कला में विशेष निपुण होते थे। संभवतः राजन्य ही अपने में से एक को राजा चुनते थे। छत्र
या राज्य की रक्षा करने के कारण ये क्षत्रिय कहलाए। आर्यजन परस्पर तथा दासों से युद्ध करते रहते थे, इसलिए समाज में योद्धाओं को विशेष दृष्टि से देखा जाता था। इस युग में वैश्यों का पृथक से उल्लेख नहीं था। पुरोहित और क्षत्रिय वर्ग को छोड़कर शेष समाज के लिए विश शब्द का प्रयोग हुआ है। विश के साथ भी वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वैदिक युग में यह भावना होने पर भी ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्वसाधारण विश से भिन्न हैं, वर्ग भेद का अभाव था। कोई व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय है, इसका आधार उसकी योग्यता या अपने कार्य में निपुणता थी। कोई भी व्यक्ति तप निपुणता और विद्वता से ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता था अथवा वीरता के कारण क्षत्रियत्व को प्राप्त कर सकता था। यद्यपि दासों को सांस्कृतिक दृष्टि से हीन मानते थे, परंतु उन्हें अस्पृश्य नहीं माना जाता था। आर्य ब्राह्मण समर्थ दासों से दक्षिणा ग्रहण करते थे। कर्म के महत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ब्राह्मण न केवल धर्म कार्यों का संपादन करते थे, बल्कि वे औषधि, शस्त्र निर्माण तथा प्रशासन में भी लगे हुए थे। देवापी और शांतनु दोनों ऋषि पुत्र थे, लेकिन अपने गुणों के कारण शांतनु राजा बना और देवापी ने उसका पुरोहित बनना स्वीकार किया। ऋग्वेद में एक ऋषि जो स्वयं ब्राह्मण कर्म करता है, उसका पिता वैद्य था, उसकी माता पत्थर पर आटा पीसती थी। इसी प्रकार एक ऋषि इंद्र से पूछता है कि मैं राजसी कार्य करूँगा, ऋषि बना रहूँगा या अपार संपत्ति प्राप्त करूँगा। इससे स्पष्ट है कि गुणों के आधार पर कर्म की प्रवृत्ति होती थी। यहाँ यह स्मरणीय है कि यह स्वीकार करना कि प्रारंभिक वैदिक युग में व्यक्ति की पहचान केवल गुणकर्म से होती थी और जन्म से उसका कोई संबंध नहीं था, यह एक भ्रांत धारणा है। कर्म और गुणों के कारण जन्म देने वाले माता पिता को नकारना संभव नहीं था। उसी के साथ व्यक्ति को अपने गुणों के अनुरूप समाज में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता था। उसमें सामाजिक स्तर पर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था। धन्यवाद।